हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज मैं नीतू, देखिए फ्रेंड, आज मैं बहुत ही टेस्टी मेथी की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। तो मेथी की सब्ज़ी एक अलग तरीके से बनाऊँगी। तो इसके लिए देखिए, एकदम ताज़े हरे मेथी लिए हैं। एकदम अभी के मौसम में एकदम फ्रेश ताज़े मेथी मिल जाते हैं। साथ में मेथी जो है हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, तो आप लोग मेथी ज़रूर खाएँ फ्रेंड। ये कड़वी लगती है, लेकिन डायबिटीज के लिए, बीपी के लिए ये मेथी की सब्ज़ी बहुत ही अलग तरीके से और हेल्दी तरीके से मैं बनाऊंगी। तो देखिए, इसके लिए मैंने 250 ग्राम के करीब मेथी को अच्छे से तोड़ के फ्रेश लिया है। तो अब इसको हम थोड़ा महीन काट भी लिए हैं फ्रेंड मेथी को। अब हम चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इधर कढ़ाई गर्म होने के लिए चढ़ा दिए थे, तो कढ़ाई में हम सरसों का तेल यूज कर रहे हैं फ्रेंड। तो 2 चम्मच हम सरसों का तेल डाले हैं, थोड़ा सा जीरा डाले हैं और 1 तेज़पात को डाले हैं और थोड़ा सा हींग डाले हैं। हींग से बहुत अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आता है। और थोड़ा सा मेथी दाना भी डाल दिए हैं। पचफोरन के रूप में आप कुछ भी डाल सकते हैं, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो मैंने मेथी को डाल दिया है। मेथी को डाल के अब इसमें हम नमक डाल दे रहे हैं। सारे चीज़ मेरे चटक चुके थे, तो मैं मेथी डाल दी हूँ। मेथी डाल के नमक, थोड़ा सा मिर्चा पाउडर डाल दिए हैं और 1 चम्मच हमने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। सारे मसाले को मिला के अच्छे से उलट पुलट के हम मिला लेते हैं, ताकि मेथी जो है नमक डालने से एकदम अच्छे से गल जाएंगे। तो इसको ढक देते हैं फ्रेंड। ढक के हम 5-7 मिनट इस तरह से हम पकाएंगे और बीच बीच में हम इसको चलाते भी रहेंगे। तो ये देखिए, 7 मिनट के करीब हो गया है। तो एक बार हम उलट पुलट के चला ले रहे हैं मेथी को। तो देखिए, मेथी अच्छे से पानी भी छोड़ दिया है। तो इसको एकदम मीडियम फ्लेम पे, मीडियम टू लो फ्लेम पे एकदम हम इसको अच्छे से पकाएंगे। फ्लेम को एकदम हाई नहीं रखना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। मेथी तो आपने बहुत बार बना के खाई होंगे, लेकिन एक बार इस तरीके से आप बनाइएगा। तो देखिए, मेथी से पानी छोड़ दिया और मेथी एकदम अच्छे से गल गया है। देखिए पानी कितना अच्छा छोड़ दिया है ढक ढक के पकाने से। और जब मेथी का पानी हल्का सा बचेगा ना, इस तरह से हम देखिए कलछन से इसको दबा दबा के थोड़ा मिक्स कर ले रहे हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, मेथी एकदम अच्छे से पक गया है और कलर भी चेंज हो गया है। थोड़ा हल्का सा गीला गीला है, तभी हम इसमें मेन चीज़ जो डालेंगे फ्रेंड, इसमें बेसन डाल देते हैं हम 1/2 कटोरी के करीब। तो बेसन को हम थोड़ा थोड़ा डालेंगे और चलाते रहेंगे, ताकि इसमें लम्स ना पड़े। और ये बेसन वाली मेथी बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। ये रोटी, चावल, पराठा, किसी भी चीज़ के साथ खाए, ये बहुत टेस्टी लगती है। एक बार आप इस तरह से मेथी को ज़रूर बना कर देखिएगा, और बच्चे से भी बहुत पसंद से खाएंगे। क्योंकि ये बेसन डालने से क्या होता है ना, ये कड़वापन इसका कम हो जाता है और बहुत ही सोंधा और बहुत ही टेस्टी लगता है, यकीन मानिए। यदि आप लोगों को ये मेथी की रेसिपी अच्छी लगे फ्रेंड, तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। तो देखिए, इस तरह से हमने 1/2 कटोरी के करीब मेथी को डाल दिया है और इसको हम अच्छे से देखिए एकदम चलाते रहे हैं। फ्लेम को अभी एकदम लो फ्लेम रखे हैं और इसको अच्छे से हम भूनेंगे, ताकि इसका जो कच्चापन है बेसन का वो ख़त्म हो जाए एकदम। मेथी के साथ इसको करीब करीब 10 मिनट के करीब हम इसको अच्छे से भूनेंगे। आप चाहो तो बेसन को भून के भी डाल सकते हैं। ये देखिए, ये सब्ज़ी बहुत टेस्टी लगती है, एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए कितनी अच्छी मेरी मेथी की सब्ज़ी बन गई और बहुत अच्छा खुशबू भी आ रहा है। तो फिर इसी तरह से मैं मिलती हूँ फ्रेंड एक अगली नई रेसिपी के साथ। तो ये फटाफट बन के तैयार भी हो जाता है। तो एक बार कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा फ्रेंड कि आप लोगों की मेथी की सब्ज़ी कैसी लगी, मेथी भाजी। और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा, ताकि आपको अगले मेरे न्यू रेसिपी की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे।